टारगेट भी दिखा सकता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही तो कई बार बता चुका हूँ, डिवाइस का डाटा या किसी का भी डाटा हमारे सामने आता है, वो खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर। तो इस वजह से देखो सर, मैं क्या करूँगा, मुझे जिस रेट पर ये मंडे के दिन मिलता है, अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं तो बिजली के क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपितु आने वाली जो देश की धड़कन है नवीनीकरण ऊर्जा, उस क्षेत्र के द्वारा इसकी प्रतीक्षा हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं, पर चल रही है। बैड न्यूज़ सुनने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इस तरीके से AGR के जो बकाए चल रहे हैं, 2000 की कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको देश में और विदेशों में जाना जाता है अपने काम की वजह से, तो मैं टेंशन क्या लेनी है सर। देखो सर, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जब कोई अपनी होल्डिंग लेता है तो वो हमेशा के लिए नहीं लेता है, आपको देखने को भी मिला है कि चाहे पेटीएम हो, नायका हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया के अंदर गंभीरता वाली न्यूज आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया क्या आगे जाके कहीं सरकारी कंपनी ही ना बन जाए। इस तरीके की भी कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या अपना मौका प्रॉफिट में हमें देखना पड़ेगा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। NTPC जिस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहा है ना, उस क्षेत्र में वो अपने को एक दमदार खिलाड़ी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे सर हम जो रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हो रही कंपनी जियो फाइनेंशियल, उसका जो शेयर सूचीबद्ध होगा मंडे के दिन होगा, यानी कि 21 तारीख के दिन, तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे सर, और देखेंगे कि इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया क्या बन रही है। इनकी बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि FIs का डाटा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, DIs का डाटा या किसी का भी डाटा हमारे सामने आता है, वो खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट खरीदने बेचने का ही काम है। अगर हम इस प्रतिक्रिया से अपने को दर्द दे रहे हैं, दर्द यानी कि FIs जा रहे हैं जी बेच दो, FIs आ रहे हैं जी खरीद लो, तो ये हम दर्द दे रहे हैं सर। पर अगर आप एक मैटर समझें, बिल्कुल शांत रहिए और समझिए कि FIs प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, लॉस के लिए नहीं आ रहे हैं। DIs प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, लॉस के लिए नहीं आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड वाले भी प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, और हम और आप क्या लॉस के लिए आ रहे हैं? हम भी प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, तो कोई बेचे कोई खरीदे, हमें किसने नहीं रोका है, तो FIs को हम कैसे रोक लेंगे। ये बड़ी हमारे अंदर भ्रांति इसी पैदा हो गई है कि कई लोग मुझे पर्सनल कमेंट भी करते हैं, सर FIs का डाटा आ रहा है कि वो किसी सेक्टरों में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, वो सेक्टर भागे जा रहे हैं, और जिनमें वो नहीं बढ़ा रहे हैं वो गिरते जा रहे हैं, या FIs यहां से निकल कर बाहर जाते जा रहे हैं। सारा एक सलूशन है, ये आपको समझना है कि भाई यहाँ पर हर एक चीज़ खरीदने बेचने के अनुसार ही चल रही है। आपने बेचा तो किसी ने खरीदा, और किसी ने खरीदा तो किसी ने बेचा, तो खरीदने बेचने वाली चीज़ों से हमें टेंशन क्या लेनी है सर। देखो सर, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जब कोई अपनी होल्डिंग लेता है तो वो हमेशा के लिए नहीं लेता है, आपको देखने को भी मिला है कि चाहे पेटीएम हो, नायका हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जोमैटो हो, इन कंपनियों से भी कुछ पार्टनर अलग हुए हैं, तो फिर वो क्या हुआ, वहाँ गिरावट के मोल आते हैं, तो उसके बाद फिर कंपनियाँ संभलती हैं। तो बेचना खरीदना ये निरंतर इस मार्केट में चले गए, तो रूल है, इस रूल को अपनाओ, और FIs के डाटे और DIs के डाटे या किसी के भी डाटे से ये पता लग जाता है कि उसके अंदर हाल ही में चीज़ें क्या होने वाली, तो उस सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा सर। अब ये आपको कभी नहीं पूछना है सर FIs बेच कर भाग रहे हैं, अब क्या करें, तो फिर सर FIs कोई देख लें, वो जब आएँ खरीद लें, जब जाएँ बेच लें, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो तो डाटा हमारे पास बाद में आता है जब वो खरीद कर बैठ जाते, तो इतना आसान नहीं है हर एक चीज़ में काम करना, तो उन चीज़ों में दिमाग लगाना तो है, पर इस वजह से नहीं कि अब तो सब कुछ FIs भाग जाएंगे तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। FIs बेच ही रहे हैं काफ़ी सालों से, आपको देखने को मिल रहा है, और काफ़ी सालों से खरीद भी रहे हैं, तो ये तो निरंतर चलता रहेगा।
बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हो रही है, जो सर 33वीं मूल्यवान कंपनी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद ये मूल्यवान कंपनी जो है 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अभी लिस्टिंग इसकी 21 अगस्त को हो रही है, यानी कि मंडे के दिन होने वाली है। 261.85 रुपये में इसका शेयर सूचीबद्ध होने की तलाश में है। देखने को ये मिल रहा है कि ये लिस्टिंग के बाद से आपको 300 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही त्रुप का पत्ता साबित हो सकती है ये कंपनी। क्योंकि फाइनेंस यानी कि पैसा देकर पैसा कमाने वाली चीज़ों में जब हमारे मुकेश अंबानी उतर रहे हैं, तो वो कोई से भी बिजनेस पे उतरे हैं, उनकी एक महत्वाकांक्षा ये है कि उस क्षेत्र पर वो ज़्यादा बुलंदियों तक जाएं। हम उस शख्स की कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको देश में और विदेशों में जाना जाता है अपने काम की वजह से। तो वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हो रही है और 261.85 रुपये में सूचीबद्ध होगी, और जिसके टारगेट 300 के निकल कर ही आ गए हैं। पर इन चीज़ों को हमें और आगे गहराइयों तक समझना पड़ेगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये 20 अरब डॉलर की कंपनी, यानी कि इसका मार्केट कैप इतना बैठ रहा है, यानी कि 1.66 लाख करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप बैठ रहा है सर। नुआमा की एक रिपोर्ट के अनुसार पैसिव म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी भी बेच सकते हैं, यह आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी ये सर निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एक हिस्सा है, लेकिन सूचीबद्ध होने के बाद ये 3 दिन बाद ही ये इससे बाहर हो जाएगी नुआमा की रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको समझना है कि यहाँ पर आपको एक दिशा देखने को मिल रही है कि पैसिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनके पास 3800 करोड़ रुपए करीब की शेयर है, तो वो इसको बेच सकते हैं। तो यानी कि वो लिस्टिंग के बाद इसको बेचेंगे तो फिर प्राइस इसका कम ही आना है, या फिर आगे जाकर इसको कभी भी वो बेच सकते हैं। इसी तरीके से ETF और इंडेक्स फंड भी इस तरीके की हिस्सेदारी बेचने की फिराक में लग रहे हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि इसकी सूचीबद्ध होते ही इस शेयर को खरीदना फिर वो 2 से 3 साल की मंशा के साथ बनेगा, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड अपनी 3800 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी भी बेच सकते हैं। पर अगर आप ध्यान दें कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद 33वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन रही है, और उस व्यक्ति की बन रही है जिसे देश विदेशों में भी लोग जानते हैं। तो काफ़ी लोग इसमें चर्चा कर रहे थे कि सर जियो फाइनेंशियल का कब सूचीबद्ध होगा, कब इसका शेयर हमें अपने डीमैट अकाउंट में खरीदने के लिए मिलेगा। लेकिन जिनके पास है उनको तो पहले मिल चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के जिनके पास शेयर थे उनको तो पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन सबके लिए कब चीज़ होगा? तो सर ये मंडे के दिन होने वाला है। तो क्या प्रतिक्रिया इसके अंदर हमारी बननी चाहिए, क्या इसको हमें खरीदना चाहिए? देखो सर, अगर आप इसका एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के साथ जोड़ रही एक नाम की कंपनी है, तो ये टक्कर तो ज़रूर ऐसी ऐसी कंपनियों को दे के चलेगी। तो ये लंबे विषय का, लॉन्ग टर्म विषय का एक हमारा इन्वेस्टमेंट बैठ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई अभी देख लें होता क्या है, तो सर ये तेज़ी तो मंडे के दिन दिखाई देगा, क्योंकि क्या पता इसके अंदर वो जो बेचने वाले वो ना बेचें उस दिन, तो ये इस वजह से तेज़ी आएगी। लेकिन जिस दिन वो बेचेंगे फिर इसमें गिरावट भी आएगी। तो इस वजह से देखो सर, मैं क्या करूँगा, मुझे जिस रेट पर ये मंडे के दिन मिलता है, अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं तो मैं इसके 30 शेयर मंडे के दिन लेने की प्रतीक्षा में लगूँगा, और बाकी 70 शेयर जिस तरीके से भी अगर मैं लूँ, जितने भी लूँ, तो वो मैं बाद में उसकी प्रतिक्रिया देखूँगा सर, क्योंकि मुझे इसके अंदर एंट्री ज़रूर करनी है। क्योंकि एक रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होती हुई कंपनी और अलग बिजनेस में निकलती हुई कंपनी, और फाइनेंस के क्षेत्र में आज आपको पता है कितना काम फाइनेंस के द्वारा होता जाता है, तो ये मुझे प्रगति की ओर दिखता हुआ एक शेयर दिख रहा है। और वैसे भी इसके बड़े बड़े टारगेट 300 रुपये करीब के निकल कर आ रहे हैं। तो सारी स्थिति को आपको एक सोचना पड़ेगा कि एक बेस्ट कंपनी का विचार हमारे सामने आ रहा है, और इस विचार को अगर शुरुआती तौर पर होल्ड करके रखा जाए तो बेहतरीन तरीकों से आगे मिलेगा। देखो सर, ये नीचे जाए तो तब भी इसके अंदर एवरेज की जा सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसका नाम जुड़ता जा रहा है। अब बात करेंगे NTPC की, और NTPC में मेरी प्रतिक्रिया मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले से ही 187 रुपये से ही इसकी प्रतिक्रिया अच्छी देखी है, और जब ये शेयर काफ़ी ऊपर तक भी गया तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई है सर। देखो सर, शेयर कोई सा भी हो,
वहाँ पर समय समय पर अपने प्रॉफिट की विशेषताओं भी हमें देखनी चाहिए। हम NTPC की नज़रें सिर्फ बिजली के क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपितु आने वाली जो देश की धड़कन है नवीनीकरण ऊर्जा, उस क्षेत्र के द्वारा इसकी प्रतीक्षा हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा में ये 2032 तक ये 60 गीगावाट का, ध्यान रखना, नवीनीकरण ऊर्जा का भंडार जोड़ने की पेशकश में वर्क कर रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा कितना? 60 गीगावाट। और अगर ये ऐसा करता है तो ये प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा इस क्षेत्र का। वैसे भी ये नंबर वन कंपनी, और इस तरीके से ये नवीनीकरण ऊर्जा में बन जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि NTPC सर हाइड्रोजन ईंधन स्टेशंस और सोर्स प्लांट भी, यानी कि सोर यानी सोलर प्लांट स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। यह आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने आपके ऊपर इससे पहले एक चीज़ बताई थी कि NTPC को ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ से सौर मॉड्यूल्स मंगाने के लिए बाहर से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है, यानी कि यहाँ से नहीं, बाहर से जो सस्ते रेट में इनको कुछ सोलर की चीज़ें मिले, तो वहाँ NTPC को इसका बढ़ता हुआ कदम मिलेगा। और ये सोलर का प्लांट स्थापित करने की दिशा में, नवीनीकरण ऊर्जा को जोड़ने की दिशा में NTPC बढ़ रहा है। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि NTPC ले लद्दाख में हाइड्रोजन बस का परीक्षण कर रहा है। समझने वाली बात है कि 3 महीने के सड़क के नियमों के अनुसार, सड़क में चलने के अनुसार, फील्ड का अनुभव के अनुसार, बाकी रणनीतियों के अनुसार 17 अगस्त को लेह में यानी लद्दाख में एक हाइड्रोजन बस पहुंच चुकी है। अब उसके अंदर आपको देखना है कि NTPC उसका परीक्षण कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बस का परीक्षण अगर NTPC कर रहा है और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशंस के लिए ये स्थापित करने की प्रतिक्रिया बना रहा है, और देश में जब इस तरीके की बसें चलेंगी तो वहाँ NTPC किस नज़रों से आपको दिख रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है कि हाइड्रोजन बस का परीक्षण हमारी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ले लद्दाख में कर रही है। बहुत पॉजिटिव न्यूज, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेह लद्दाख में ये करीब, वहाँ की सड़कों में ये करीब 5 बस ईंधन सेल प्रदान करेगा। कौन करेगा? NTPC करेगा। तो सारी दृष्टि आपको इस तरीके से NTPC में बनानी चाहिए। एक तो ये सबसे बड़ी बिजली की उत्पादक कंपनी है, और कोयले से निकलकर अब ये नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, और एक अपनी सहायक कंपनी भी नवीनीकरण ऊर्जा में इसने बना रखी है, और सौर का प्लांट लगाने की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है, और विदेशों से ये सस्ते भाव में वो चीज़ें मंगाएगा, फिर उससे अपना ये प्लांट बनाएगा, फिर हाइड्रोजन बस का ये परीक्षण कर रहा है। ये एक बहुत ही गतिशीलती वाली शेयर आपको देखने को मिलता है, जो लंबे समय की अवधि के लिए अपने आप में 2032 तक 60 गीगावाट की नवीनीकरण क्षमता को जोड़कर अग्रणीय सबसे प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए NTPC तैयार बैठा है। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में जहां 2-3 दिन पॉजिटिव न्यूज आती है, तो फिर उसके बाद गिरावट वाली चीज़ें के साथ निकलकर कुछ न्यूज आ जाती है। अभी आपको देखने को मिला इसका रिजल्ट निगेटिव आया, लेकिन उसके बाद जो हमारे अक्षय मुद्रा जी ने कहा है कि वो दिसंबर तक फंड जुटाने की, यानी दिसंबर तिमाही तक फंड जुटाने की प्रक्रियाओं में लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फंड जुटा भी लेंगे, इस तरीके से भी खबर आ रही थी। अभी कल ही मैंने आपको फिर से बताया था कि पुणे में अपने 5G परीक्षण का रोल आउट करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा कर लिया है सफलतापूर्वक। ये पॉजिटिव न्यूज है। दिन का ये वक्त डॉट से मांग रहा है 1680 करोड़ रुपये के लिए, ये एक नेगेटिव न्यूज है। इसके अंदर तब पॉजिटिव हो जाएगी जब इसको ये मंजूरी मिल जाएगी। फिर मैंने आपको कल एक बताया था कि रूट मोबाइल के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली है, तो ये भी एक गुड न्यूज है, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता हुआ मार्केट पर नहीं आगे दिखेगा, क्योंकि इसके साथ एक बैड न्यूज निकल कर चल रही है। बैड न्यूज़ सुनने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इस तरीके से AGR के जो बकाए चल रहे हैं
2026 तक अगर वोडाफोन आइडिया को 40,000 करोड़ रुपए करीब का सरकार को ही ये बकाए की किस्त जो है देनी पड़ेगी, अगर वो नहीं देता तो इससे 70% की हिस्सेदारी सरकार की हो जाएगी। अब इससे मुझे लग रहा है कि कहीं धीरे धीरे ये सरकारी कंपनी ना बन जाए कि अगर ये चीज़ें वोडाफोन आइडिया ना कर पाए। अभी सरकार की 33.1% की हिस्सेदारी वो तब हुई थी जब इन्होंने AGR ड्यू के बदले इस तरीके का एक ऑफर सरकार को दिया और सरकार ने इसको माना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमोटर अब 33.1% का सरकार है। और अगर एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट आ रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, रिपोर्ट आ रही है, उसमें कहा गया है कि आगे जाकर कहीं और सरकार का हिस्सेदारी ना इसके अंदर बढ़ जाए, क्योंकि 2026 तक 40,000 करोड़ रुपये AGR ड्यू के बकाया के बन जाएंगे और उसके तहत अगर सरकार इसके अंदर हिस्सेदारी ले तो वो 70% की हिस्सेदारी इनकी बन जाएगी। तो यहाँ पर एक धोखा वाली चीज़ें मुझे लग रही है कि कहीं ये टेंशन में वोडाफोन आइडिया सिर्फ कर्ज में डूब डूब कर ही टेंशन में ना आए, लेकिन अंदरूनी चीज़ें जो फंड वाली चीज़ें आ रही हैं और परीक्षण वाली चीज़ें आ रही हैं वो समय समय पर हमें एक अच्छी दिशा दिखा रही है। और लगातार तो इनके कहीं ना कहीं से न्यूज आती ही है कि भाई सब्सक्राइबर खो गए, सब्सक्राइबर चले गए, और आपको पॉजिटिव न्यूज ये देखने को मिलती है इन्होंने अच्छे अच्छे प्लान ला रहे हैं। तो देखने को अब हमें एक और न्यूज़ मिल रही है कि जिसके अंदर टानला प्लेटफॉर्म ने इनके साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने का एक निर्णय, नवंबर में जो एक एंड होने वाला है, इन्होंने एक पार्टनरशिप टानला के साथ 2021 में की थी A2A के लिए, यानी कि एप्लीकेशंस टू पर्सन के लिए, यानी कि एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदाता कौन है, टानला है। टानला क्लाउड संचार का एक प्रदाता है जिसने इसके साथ 2021 में 2 साल के लिए पार्टनरशिप की थी और वो नवंबर में ख़त्म हो रही है और टानला ने कह दिया है कि वो आगे इसका नवीनीकरण नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक पार्टनरशिप ख़त्म होती हुई आपको देखने को मिली और दूसरी तरफ रूट मोबाइल से पार्टनरशिप जुड़ती हुई देखने को मिली। सारी टेंशनों के बावजूद इस नतीजे के तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया का फंड आने में इतना विलंब रहेगा तो इसका शेयर काफ़ी नीचे भी आ सकता है, और अगर ये AGR ड्यू की चीज़ों के साथ विफल रहता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि 2026 में कहीं सरकार इसके अंदर बहुत बड़ा प्रमोटर ना बनकर बैठ जाए, फिर वहाँ पर तो ये सरकारी कंपनी की तरह ही कहलाएगी। मेरा एक माध्यम है कि अगर इसके अंदर 5G की न्यूज और बढ़ती हुई कदमों के साथ आई, फंड की न्यूज और बढ़ते कदमों के साथ आई, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तेज़ी आ सकती है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो ऐसा शेयर नहीं है कि इसके शेयरों को काफ़ी उम्मीदों के साथ फंड आने के बाद, 5G होने के बाद भी इसको हम बहुत बुलंदियों तक देखें, वो चीज़ें नहीं बन रही हैं। देखो सर, अगर सरकार इसके अंदर स्टेक लेकर ना बैठती तो एक पॉजिटिव संकेत थे, अब सरकार इसके अंदर स्टेक लेकर बैठी है तो उसे तो बार बार वो AGR की चीज़ें चाहिए, और वो चीज़ें चाहिए तो फिर इसके अंदर सरकार ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपको इंतज़ार करना है कि फ़ंड कब आए, 5G की चीज़ें कब निकल कर आए, कब ये शेयर तेज़ी दिखाए। बल्कि अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं टानला प्लेटफॉर्म वाली, इसके अंदर एक निगेटिव चीज़ लेकर आ गई है। देखो सर, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर इतना ज़्यादा दिल टूट जाएगा, इतना ज़्यादा दिल टूट जाएगा कि आपको लगेगा भाई अब कुछ नहीं होने वाला है इन शेयरों में, और फिर एकदम से न्यूज़ निकल कर आ जाएगी 5G आ गया, फंड आ गया, फिर आपके मूड चेंज हो जाएंगे, फिर आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये शेयर जो है, मैंने आपको पहले कहा था, एक बार तो ये अगर फंड आया, मैंने आपको क्या कहा कि फंड आया और 5G की चीज़ें आई, एक बार तो हमारे प्रॉफिट तक की चीज़ों को ये दिखा देगा। अगर जिन्होंने 13, 14, 15 की तरफ लिया हो, वहाँ तक के तो ये प्रॉफिट की चीज़ें हमें दिखा सकता है कि अगर फंड की चीज़ें आए, क्योंकि फंड से ही सारी चीज़ें निकल रही हैं और अंदर की चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। पर दूसरी तरफ 33% की सरकार की हिस्सेदारी, फिर दूसरी ड्यू इनका 2026 में, वो भी कभी 40,000 करोड़ रुपये करीब का हो जाएगा, तो वहाँ पर बढ़ती हुई चीज़ें सरकार की दिख रही है। मैंने आपको हर बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी उस तरीके से हमें निवेश नहीं करना है। छोटे मोटे पेनी स्टॉक में सिर्फ 5 से 10% ही अपना इन चीज़ों की तरफ हम देख सकते हैं, वो है उम्मीद। जब कोई पेनी स्टॉक बनता है ना, तो वो गिरावट के तरफ ही है, वो तो कर्जे में डूबी कंपनी है। अब हर एक कोई आपको सुजलोन नहीं बन के दिखा सकता कि भाई वो अपने को एकदम से प्रॉफिट में लाया,
यस बैंक नहीं बन के दिखा सकता क्योंकि उसके अंदर जो प्रशांत कुमार जी बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, इसके अंदर है काफ़ी कर्जा और उस कर्जे की उम्मीद इसलिए मुझे टेंशन में लगती है क्योंकि यहाँ सरकार का हिस्से कितना है, फिर आगे जाकर वो होगा। फिर उसके बाद आपको अगर देखने को मिला कि अगर ये इन चीज़ों को उतारते हैं तो फिर वहाँ इंडस टावर खड़ा है अपना पैसा लेने के लिए, फिर इससे पहले 1680 करोड़ रुपए करीब इनको देने हैं, ये सारी कर्जे के क्षेत्र में है। और वोडाफोन जुटा कितने रहा है, 20,000 करोड़ रुपए, कई तिमाहियों से बात कर रहा है और वो भी उसमें असफल हुआ है अभी तक कि उसके पता ही नहीं लग रहा वो कब होगा। फंड की चीज़ें जो वाली बात हो रही हैं और 5G के परीक्षण भी हो रहे हैं, तो ये एक बार तो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों के साथ तेजी के संकेतों के साथ आएगा। किसी को भी सर खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एक न्यूज बेस्ड चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं से रास्ते बन जाते हैं। तो ज़्यादा दिल लगाने वाले शेयर नहीं होते इनके अंदर। तो कहीं मैंने आपको कहा था कि पैनी स्टॉक जब भी आपको तेजी के संकेत दिखाए वहाँ पर अपनी मनसा को अपने प्रॉफिट की मनसा से जोड़ना चाहिए, तब जाकर हम इस तरीके के शेयरों से सफल हो पाएंगे। सर देखो सर, ये तीसरी नंबर की टेलीकॉम कंपनी है और अगर ये कंपनी बाहर होती है तो फिर दो कंपनियों का राज हो जाएगा, और अगर दो कंपनियों का राज हो जाएगा तो फिर हर एक वाउचर हमें महंगे मिला करेंगे। तो सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी, भाई नहीं एक और होना चाहिए यहाँ पर। और BSNL भी पीछे से खड़ा हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी अच्छी संभावना के साथ कहीं टावरों में काम करने की चीज़ों को ऑर्डर देते हुए जा रहा है, तो वो भी 5G के चक्रों में अपनी तेजी के संकेत को आगे बढ़ा रहा है। तो सारी परिस्थितियों को आपको ये देख लेना चाहिए कि जहां इन्होंने रूट मोबाइल के साथ एक पार्टनरशिप करी तो दूसरी तरफ टेलना प्लेटफॉर्म इनके साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर रहा है। नवंबर में वो आगे से नवीनीकरण होगा उसको वो नहीं करना चाह रहा है, तो ये एक बैड न्यूज़ वोडाफोन आइडिया में निकल कर आ गई है। NTPC ले में हाइड्रोजन बस का परीक्षण कर रहा है और इससे आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हाइड्रोजन बस पर निकल रही है, क्योंकि तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल से उठकर अब EV और हाइड्रोजन की चीज़ों में देश उतर रहा है, इसकी मंशा आपको देख लेनी चाहिए। और 8 गीगावाट का एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए 2032 के लक्ष्य के साथ NTPC दौड़ रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हो रही एक कारोबार यानी कि जियो फाइनेंशियल का शेयर 261.85 रुपये में मंडे के दिन सूचीबद्ध होगा, लेकिन देखना आपको ये है कि ETF और सेंसेक्स फंड इसके अंदर से अपनी कुछ चीज़ों को निकाल भी सकते हैं। और ये भी देखना है आपको कि पैसिव म्यूचुअल फंड इसके अंदर से 3800 करोड़ रुपए करीब की अपनी जो भी उनके पास शेयर है उसे वो सेल भी कर सकते हैं। तो सारी परिस्थितियों को न्यूज बेस्ड समझिए और अपनी साइकोलॉजी को और डेवलप कीजिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में कोना नहीं है, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।